Good morning, class. This is our new pathology class in which today we will study about the second topic of respiratory pathology. And the name of the second topic is pneumonia. Pneumonia भी respiratory tract lung की disease है जिसमें कि lung pleura में inflammation हो जाता है various bacteriological infection की वजह से. बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से इन्फ्लामेटरी कंडीशन हो जाती है, इसको निमोनिया कहते हैं. वेरियस बैक्टीरिया जैसे न्यूमोकोकल निमोनी, माइकोप्लाज्मा निमोनी, ऐसे कई ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि निमोनिया कॉज करते हैं. तो ये एक इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है लंग पैरेन्काइमा का, जिसमें इंटरस्टीशियल और एल्वियोलर फ्लूइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. तो ये नॉर्मल एल्वियोलाई देखिए और ये निमोनिक एल्वियोलाई आप देखिए. अब इस डायग्राम को आप देखिए, नॉर्मल ब्रोंकाई और एयर सैक देखिए, एल्वियोलाई, और यहाँ पर फ्लूड भर गया एयर स्पेस के अंदर. ये विंड पाइप जिसको ट्रेकिया कहते हैं, तो लंग और ब्रोंकस दिखाया गया और ये ब्रोंकस का पार्ट इलाबोरेट करके यहाँ पर बताया गया. ये नॉर्मल एल्वियोलाई जिसमें ब्रोंकाई, टाइना एल्वियोलाई, एयर स्पेस सब कुछ नॉर्मल है, जबकि ये एल्वियोलाई विद निमोनिया है. तो देखिए पस भर गया, कितनी नैरो हो गई है, इन्फ्लामेशन एल्वियोलर वॉल में दिखाई दे रहा है. फ्लूड और पस फिल्ड एयर स्पेसेस दिखाई दे रहे हैं जिसके अंदर बैक्टीरिया हैं, ब्लड सेल्स हैं. ये लोबर निमोनिया है लेफ्ट लंग के लोअर लोब में, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से इन्फेक्शन हुआ है. इटियोलॉजी, ये बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्मा, फंगाई या प्रोटोजोअल एजेंट से हो सकता है. फूड फ्लूड या वॉमिटस के एस्पायरेट से हो सकता है, किसी टॉक्सिक सबस्टांसेस या कास्टिक केमिकल के इनहेलेशन से, स्मोक से, डस्ट या गैसेस से हो सकता है, या इन्फ्लुएंजा वायरस से हो सकता है. रिस्क फैक्टर किन में होने के रिस्क बढ़ जाते हैं, बढ़ती उम्र के लोगों के साथ में उम्र बढ़ जाती है तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं. जो लोग स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, जिनको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन रहता है, ट्रेकियल इंट्यूबेशन करवाई होती है, लंबे समय तक इमोबाइल रहते हैं, बिस्तर पर हैं, काम नहीं कर पा रहे, एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे, उन लोगों में इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी अगर कोई ले रहे हैं तो उनकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, या जिनका इम्यून सिस्टम नॉन फंक्शनल है, काम करता ही नहीं है, या माल न्यूट्रिशन, अच्छा न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, डिहाइड्रेशन, पानी कमी रहती है, या कोई क्रॉनिक डिजीज स्टेट जिनको है उनमें भी इससे खतरे बढ़ जाते हैं. सिगरेट स्मोकर में खतरे बढ़ जाते हैं. किसी को अभी वायरल रेस्पिरेटरी को इन्फेक्शन हुआ हो, कॉमन कोल्ड, लैरिंजाइटिस, इन्फ्लुएंजा वगैरह, या स्वेलोइंग में डिफ़िकल्टी आ रही हो स्ट्रोक की वजह से, डिमेंशिया में भी ऐसा हो जाता है, भूलने बीमारी के अंदर, पार्किंसंस डिजीज़ के अंदर, या दूसरे कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं उनमें भी ऐसा हो जाता है, या फिर क्रॉनिक लंग कोई डिजीज़ जैसे COPD हो गई होगी. COPD मैं आपको इसी चैप्टर में डिटेल में पढ़ाऊँगी, या ब्रोंकाइटिस या सिस्टिक फाइब्रोसिस आपने एनाफिजियो में पढ़ा है, लंग का डेवलपमेंट प्रॉपर हो नहीं पाता, या सर्बल पालसी हो गई हो, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, या दूसरे सीरियस इलनेस जैसे कोई हार्ट की डिजीज़, लिवर सिरोसिस जो आप पढ़ चुके हो, डायबिटीज़ मेलाइटस जैसी कोई डिजीज़ हुई हो, या एयर पॉल्यूशन के जो लोग कॉन्टैक्ट में रहते हैं, या जिनका कॉन्शियसनेस बिगड़ जाता है अल्कोहल की वजह से, ड्रग की ओवरडोज की वजह से, भाई कोई ड्रग्स एडिक्ट है उनके अंदर, या जना एनेस्थीसिया किसी ने लिया और वो ज़्यादा दे दिया हो डॉक्टर ने, या सीजर डिसऑर्डर किसी को रह रहे हो, दौरे पड़ते हो, या नॉक्सिक सबस्टांसेस के इनहेलेशन से भी होता है, या इंस्टीट्यूशनल सेटिंग में रहने वाले लोगों में, कहीं बहुत भीड़ भाड़ वाले कैसे इलाके हैं उनके अंदर भी, या नर्सिंग फैसिलिटी में जो रह रहे होते हैं, कॉन्शियसनेस जिनकी इम्पेयर्ड रहती है, कि ब्रेन का फंक्शन लॉस हो गया, डिमेंशिया, स्ट्रोक वगैरह में, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में, या सर्जरी ट्रॉमा की वजह से, या इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है. ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है भाई, कि जो भी ऑर्गेनिज्म हमने कहे या जो एजेंट कहे अगर वो घुस जाते हैं बॉडी के अंदर, तो ये पल्मोनरी पार्ट में इन्फ्लामेशन कॉज करेंगे, और अगर लंग का डिफेंस मैकेनिज्म ख़त्म हो जाता है तो उसकी वजह से ये ऑर्गेनिज्म अंदर तक पेनिट्रेट कर जाते हैं ट्रेकिया वगैरह के अंदर, और इन्फ्लामेशन वहाँ पे डेवलप हो जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनिज्म अंदर घुस रहा है तो इन्फ्लामेशन होएगा, और पर्सन का मैकेनिकल डिफेंस जो है वो डिसरप्ट हो जाएगा कफ और सीलियरी मोटिलिटी की वजह से. लंग के अंदर ऐसे में बैक्टीरिया कोलोनाइज हो जाते हैं, यानी अपनी आबादी बढ़ा लेते हैं, अपनी अपना घर बसा लेते हैं, और एल्वियोलर सैक में इस वजह से इन्फ्लामेशन हो जाएगा, फ्लूड वहाँ पे भर जाएगा,
और एल्वियोलर एक्सुडेट आपको दिखाई देगा और वो कुछ कुछ पार्ट कॉन्सोलिडेट यानी सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा, कुछ जगहों पर सॉलिडिफाई दिखाई देंगे कुछ जगह एल्वियोलर एक्सुडेट के साथ में, और खंखार के साथ खांसी आती है पर उसमें डिफ़िकल्टी होती है, डिफ़िकल्टी टू एक्सपेक्टोरेट, खंखारने में डिफ़िकल्टी होना। अब निमोनिया कई तरह का हो सकता है, जैसे न्यूमोकोकल निमोनी जो कि मेनली स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की वजह से होता है, ये ऑर्गेनिज्म का नाम है। ऐसे में पर्सन को तेज बुखार चढ़ता है, बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन, प्लूरिटिक चेस्ट पेन होता है, बीमारी जैसी फीलिंग आती है, कमजोरी आ जाती है, WBC काउंट बढ़ जाता है, सांस तेज या फिर धीमे हो जाती है, और पस वाला स्पटम प्रोड्यूस होता है जिसमें थोड़े बहुत ब्लड भी आपको दिखाई देता है। अगर ये निमोनी स्ट्रेप्टोकोकाई नहीं स्टेफाइलोकोकाई की वजह से हो रहा है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की वजह से, तो इसको स्टेफाइलोकोकल निमोनिया कहते हैं। इसमें कंपकंपी के साथ बुखार चढ़ता है, सीने में दर्द होता है, रैशेस हो जाते हैं, ब्रीदिंग की साउंड कम हो जाती है, WBC बढ़ जाता है, सांस लेने में दिक्कत आती है, और वही ब्लड स्ट्रिक्ट स्पटम, ब्लड से शराब पस वाला स्पटम प्रोड्यूस होगा। इन्फ्लुएंजल निमोनिया किसी को होता है तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी की वजह से हो जाता है, इसमें तेज बुखार चढ़ेगी, वही सीने में दर्द, बीमारी जैसी फीलिंग, कमजोरी, WBC बढ़ना, टैकेपनिया, डिस्निया और बाकी सब तो कॉमन है ही। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल निमोनिया किसी को हुआ है तो वो क्लैप्सिला निमोनी की वजह से होता है, इसमें भी मल्टीपल चिल के साथ में फीवर है, सीने में दर्द है, रेल्स है, नीला पड़ जाएगा और बाकी सब कॉमन है। एनएरोबिक बैक्टीरियल निमोनिया हुआ है तो नॉर्मल ओरल फ्लोरा की वजह से हो सकता है कोई माउथ का ही ओरल फ्लोरा लंग में चला गया था, तो इसमें हल्का बुखार चढ़ता है, BP हाई हो जाती है, क्रैकल का साउंड सुनाई दे रहा होता है, शरीर नीला पड़ जाएगा, बाकी कॉमन सिम्टम्स हैं। लेजियोनेयर्स डिजीज अगर किसी को हुई है तो लीजियोनेली न्यूमोफिलिया फाइला की वजह से होती है, इसमें भी सीने में दर्द, नोजिया जरूर इसके अंदर अलग चीज रहने लगता है, पर्सन को कन्फ्यूजन होता है और बाकी सब सेम है। माइकोप्लाज्मा निमोनिया हुआ है तो माइकोप्लाज्मा निमोनी नामक ऑर्गेनिज्म से होता है, इसमें हल्का बढ़ता हुआ बुखार होता है, सरदर्द, मसल में पेन, बीमारी जैसी फीलिंग आती है, WBC काउंट इसमें नॉर्मल रहता है, बाकी सब में बढ़ जाता है, इसमें नॉर्मल रहता है, ये पहचान है इसकी भाई, और थोड़े बहुत म्यूकॉइड स्पटम आपको दिखाई देगा, हल्का हल्का सा म्यूकस स्पटम में दिखेगा, ब्लड टिंग नहीं है। वायरल निमोनिया में इन्फ्लुएंजा ए वायरस से हो जाता है, इसमें तेज़ बुखार चढ़ती है, सरदर्द होता है, मसल में पेन होता है, सांस लेने में दिक्कत आती है, WBC काउंट या तो नॉर्मल या थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है, म्यूकॉइड स्पटम होता है, ब्रीद साउंड भी नॉर्मल रहता है। एस्पायरेशन निमोनिया गैस्ट्रिक कंटेंट को एस्पायरेट करने की वजह से हो जाता है, इसमें सांस तेज हो जाएगी या फिर नहीं आएगी, शरीर नीला पड़ जाएगा, BP कम हो जाएगी, WBC काउंट बढ़ जाएगा, ल्यूकोसाइट का नंबर बढ़ जाता है, तेज़ लंग साउंड सुनाई देगा और बुखार होगी पर्सन को। ये तो इंडिविजुअल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जनरली निमोनिया में बुखार चढ़ती है, कमकमी छूटती है, पसीना आता है, सीने में दर्द होता है, कफ रहने लगता है, स्पटम ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, खून की खांसी आएगी, खून की वॉमिटिंग होएगी, सांस लेने में दिक्कत आएगी, सरदर्द और थकावट रहेगी, ये निमोनिया के सारे साइन सिम्टम। सिस्टमिक में हाई फीवर चल, सेंट्रल CNS पर यह हेडेक, भूख कम लगना और मूड स्विंग रहता है, चिड़चिड़ा सा हो जाता है पर्सन, स्किन ठंडी पड़ जाती है, नीली पड़ जाती है, लंग्स में कफ के साथ में स्पटम और कफी स्पटम, सांस कम हो जाएगी, सीने में दर्द होगा, हिमोप्टाइसिस हो जाएगा, मसल में थकावट और बदन दर्द, वैस्कुलर में लो BP, हार्ट में हाई हार्ट रेट हो जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, गैस्ट्रिक नोजिया वॉमिटिंग और जॉइंट में पेन रहने लगता है। डायग्नोस कैसे करें भाई, अपन चेस्ट एस्कल्टेशन करवा सकते हैं, स्पटम को कल्चर करके देख सकते हो, सेंसिटिविटी टेस्ट, एंटीबॉडी वगैरह उसमें देख सकते हो, एंटीजन देख सकते हो, सीरोलॉजिकल टेस्टिंग की जा सकती है, ब्रोंकोस्कोपी करवा सकते हो, निडल एस्पायरेशन है बायोप्सी कर सकते हो, स्किन टेस्ट कर सकते हो, ब्लड यूरिन को कल्चर करके ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट कर सकते हो, ऑक्सीजन लेवल एनालाइज कर सकते हो, ABG मेजरमेंट, एंटीबायोग्राम मेजरमेंट कर सकते हो, और चेस्ट एक्सरे करके एग्जामिन कर सकते हैं। बस इसके साथ ही आपका निमोनिया नाम का टॉपिक कंप्लीट। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू क्लास।